गुड मॉर्निंग। तो अभी चमगादड़ों से भी पहले उठ गए हम। अभी टाइम हो रहा है 6:30, 1 घंटा हो गया लगभग उठा हुआ, 5:30। इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं है, लेकिन आज सुबह थी बहुत ठंड दिल्ली में भी। और अब ट्रिप होता है हमारा स्टार्ट सीधा पिथौरागढ़ के लिए। तो आज है डे 1 और अब हम कर चुके हैं पैकिंग, सब कुछ ऑलमोस्ट पैक हो चुका है और नहा धो के हो गए तैयार। अब हमारा ट्रिप होता है स्टार्ट। अभी बन रहा है ब्रेकफास्ट, करेंगे ब्रेकफास्ट, थोड़ा बहुत इधर उधर का काम और फिर निकलेंगे यहाँ से सीधा पिथौरागढ़ के रूट पे। तो 7:45 तो हो चुका है, लगभग 7:30-8 बजे तक निकलेंगे अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करके। तो फटाफट से निपटा लेते हैं, बाहर थोड़ा बहुत सामान बिखरा हुआ है उसको फटाफट से पैक वैक कर लेते हैं और फिर चलते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करते करते सामान अभी काफ़ी हो गया है सबके पास, एक एक सूटकेस तो एटलीस्ट हो ही गया। 4 लोग जा रहे हैं और कार में अब समझ में आ रहा है सेडान में जगह होती है पीछे डिग्गी में, लेकिन इतनी भी नहीं होती है। तो थोड़ा थोड़ा सबने वैसे ही कम कम ही पैकिंग किया है, बट फिर भी काफ़ी सामान हो गया है। तो ऑलमोस्ट फुल होके जा रहे हैं, थोड़ा सा अंदर रख लेंगे सीट के साथ बीच में सेंटर में। तो वैसे कम करना पड़ा सामान, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस तो होती नहीं है। तो अभी वो पल आ चुका है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी ट्रिप में उसको एपिक बनाने के लिए। तो हम यहाँ पे लगा लेंगे चश्मा क्योंकि ये लगाता है कूल ट्रिप के पूरे मज़े। और साथ में मैं आज देख रहा था हमारे हो गए 50 सब्सक्राइबर ऑलमोस्ट। तो 50 का 50,000 भी आप लोगों को ही बनाना है, तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपना प्यार बांटते रहिए और जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं मामा यादव ढाबे पे, थोड़ा सा रुक करके वॉशरूम वगैरह चले गए थे। तो अब निकलेंगे यहाँ से आगे को सीधा। अभी खाने के लिए नहीं रुके, अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, 11:30 ही हो रखा है। तो अभी खाने के लिए रुकेंगे आगे हल्दीराम में, अभी तो जस्ट वॉशरूम के लिए रुके थे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हल्दीराम के अंदर। ये सही है खाने पीने के लिए, यहाँ पे बढ़िया होता है। तो सफाई वफाई भी, इस बार भीड़ थोड़ा कम है, लेकिन लास्ट टाइम जब खुला था उसके अकॉर्डिंग पिछली बार तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे फूल वूल लगे हुए थे। तो भीड़ कम होने के 2 फायदे हो सकते हैं, एक फ़ायदा एक नुकसान कहना चाहिए। फ़ायदा ये हो सकता है कि जल्दी हमें खाना मिल जाएगा, और नुकसान ये होगा कि अगर हो सकता है वो मेन्यू में सारा कुछ बना ही ना रहा। तो जैसे भी यार देखते हैं, आते तो हैं अंदर, आ जाओ। तो भीड़ तो काफ़ी कम है गाइस, खाली है पूरा। अब देखते हैं कुछ खाते हैं। तो अभी ऑर्डर तो कर दिया है और मिल गया ऑलमोस्ट सब कुछ, सारा कुछ नहीं था, कुछ साउथ इंडियन डिश नहीं थी, लेकिन कुछ ले लिया है और खाने का अभी आ रहा है। ज़्यादा भीड़ तो थी नहीं तो हो गया है, कुछ साउथ इंडियन पे नहीं मिला, बाकी तो सारा कुछ मिल ही गया है। तो करते हैं स्टार्ट, वेट कर रहे खाने का, तब तक यहाँ ले लिया है मिठाई और बाकी खाना आ रहा है। तो अभी आ गया अपना खाना पूरा, अब फटाफट से खा लेते हैं, काफ़ी कुछ आ गया, जल्दी मिल गया फटाफट, टाइम कम लगा आज, फटाफट से खा के फिर आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ पीछे, अभी तक था ड्राइविंग सीट पे, अब बैठ के जाऊँगा आराम से। तो अभी हमने खाना खा लिया है और सफ़र का मज़ा, असली सफ़र का मज़ा रास्ते में होता है मंजिल से भी ज़्यादा, तो वैसा ही होता है। लेकिन जब यूपी की रोडों में जब चल रहे होते हो ना, दूर दूर तक कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, खाली चले जा रहे हो। तो दिल्ली से जब उत्तराखंड आते हैं तो ये यूपी वाला स्ट्रेच बहुत लंबा पड़ता है, तो अभी ये पार नहीं हुआ है, इसी में चले जा रहे हैं। अभी यूपी चल रहा है, उत्तराखंड थोड़ा टाइम बाद आएगा और लगेगा अभी आधा, करीब आधा से के आसपास रास्ता हो गया है। और आज बच गया है हमारा 2:45, आधा रास्ता मतलब उत्तराखंड आने के लिए, तो अब आधा बचा है, तो चलते हैं आगे की तरफ। तो अभी हम लोग थोड़ा पेट्रोल पंप पे रुके हैं, पेट्रोल रिफिल करवा रहे हैं। अभी हम लोग ज़्यादा दूर पहुँचे नहीं हैं, बहुत ही कम पहुँचे हुए हैं और अंधेरा होने वाला है, तो जल्दी बताते हैं प्लान। अभी हम लोग खटीमा से थोड़ा सा पीछे हैं, अब खटीमा की तरफ जा रहे हैं, तो देखते हैं क्या रहता है प्लान। अब बज गए हैं 5 शाम के, अंधेरा होना स्टार्ट हो गया, ठंड के दिन है, तो देखते हैं। तो दोस्तों काफ़ी रात हो चुकी है और यहाँ पे नानक मत्था था गुरुद्वारा, और उसके पास ही काफ़ी खूबसूरत लेक थी, तो बट हम देख नहीं पाएंगे, हम हो रहे हैं लेट अभी। वैसे तो 6 बजे, ज़्यादा लेट नहीं हो रहे, लेकिन यहाँ पे अंधेरा हो गया, जल्दी ठंड के दिन स्टार्ट हो गए। तो मेन व्यूज़ तो कल दिखाएंगे हम, जब हम टनकपुर से आगे बढ़ेंगे पिथौरागढ़ के लिए। अभी प्लान है रुकने का यहीं पे ताऊ जी के पास, जो कि रहते हैं टनकपुर और खटीमा के बीच में, चक्करपुर एक जगह है, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं, वहाँ पे जा कर के फिर आपको मैं मिलता हूँ।
वो आने वाले रोड पे रिसीव करने के लिए, तो वहीं चलते हैं सीधा अभी। कल कौन से जगह दिखाएंगे बताओ। और जो मेन व्यूज होंगे वो शायद कल ही आएंगे, क्योंकि हम कल जाएंगे पहाड़ों की तरफ को, और पहाड़ वाला रास्ता कल ही स्टार्ट होगा जो कि हटनपुर से आगे का, उसमें मिलते हैं। तो अभी मम्मी और मैं जा रहे हैं, ताऊजी आए थे, ताऊजी अभी आगे चले गए और गाड़ी में चले गए भैया भी गाड़ी लेकर के। मम्मी और मैं जा रहे हैं और यहाँ पे थोड़े बहुत सितारे दिखने लग गए हैं, इतना अच्छा तो नहीं है लेकिन हाँ दिल्ली के पॉल्यूशन से कम है यहाँ पे पॉल्यूशन। तो अभी अंधेरे में चल रहे हैं इसलिए टॉर्च चला रखी है मैंने अपनी, इस रास्ते में जा रहे हैं। अगर टॉर्च को बंद कर दूँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, गुप्त अंधेरा है। तो हम चले जा रहे हैं, अभी पॉल्यूशन थोड़ा कम है इधर, और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे अपने गाँव पहुँचेंगे तो कम होगा, पिथौरागढ़ में तो बहुत ही कम होगा पॉल्यूशन, तो आएगा मज़ा। चलो चलते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ और एक हल्का सा टूर दे रहा था, बट मैं सोच रहा था कि मॉर्निंग में दूंगा टूर, लेकिन मॉर्निंग में भी प्लान है 6 बजे निकलने का, तो सुबह भी ऐसा ही हुआ बिल्कुल अंधेरा। तो ये तो लाइट्स लाइट से देख सकते हैं थोड़ा बहुत, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर के। तो सबसे बड़ा पॉल्यूशन थोड़ा कम है और चाँद वगैरह भी दिख रहा है और तारे भी दिख रहे हैं। चाँद में दिखाता हूँ उस साइड अभी, और यहाँ पे फूल पौधे भी दिख रहे हैं, तो अच्छा सा फील हो रहा है, लग रहा है कि हाँ अपने गाँव की तरफ जा रहे हैं, तो अच्छा फील करवा रहे हैं सब फूल पौधे। यहाँ पे ताऊजी के घर है ये, इसमें पूरी यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें लगाई हुई हैं घर में ही, सब्जी वगैरह। और मैं दिखाता हूँ चाँद कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पीछे की तरफ है ऊपर, ये है चाँद जो कि दिख रहा है यहाँ पे, और छोटे छोटे तारे भी दिख रहे हैं, शायद वो कैमरा इतने सही से दिखा ना पाए, लेकिन तारे वगैरह भी हैं और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। तो आज तो प्लान है यहीं पर रुकने का, तो हम जाएंगे सो और सुबह सुबह निकलेंगे, 6 बजे खुलता है गेट टनकपुर का। तो यहाँ से टनकपुर है लगभग 20 किलोमीटर के आसपास है, तो आधा घंटा पौना घंटा ही लगेगा। तो टनकपुर का गेट जो है पहाड़ों की तरफ का, वो खुलता है सुबह सुबह 6 बजे, तो तब तक हम सोच रहे हैं जल्दी निकलेंगे ताकि हम रास्ते में आराम से रुकते रुकते जाएँ। और पहली बार ही लेके जा रहे हैं गाड़ी अपने पहाड़ पे, तो फिर सोच भी रहे हैं कि आराम से जाएंगे। तो कल दिखाएंगे बढ़िया बढ़िया नज़ारे, मस्त मस्त नज़ारे, सब बढ़िया बढ़िया मज़े मज़े करेंगे कल से। तो अब आज के लिए तो इतना ही है इस वाले एपिसोड में, कल देखते हैं कि। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो गाइज, अपना सपोर्ट बनाए रखो, और थैंक यू, ऑलमोस्ट 50 सब्सक्राइबर होने वाले हैं और जल्दी ज़्यादा बढ़ेगी हमारी फैमिली और खूब मज़े करेंगे। तो चलो अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।